मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो पेपर टाइमिंग अपना जो चलता है, समझो ये पार्ट है ये टाइमिंग का, अभी मैंने खोल के रखा हूँ, जैसे ऐसा हो रहा है, ये हिल रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो अभी ये टाइमिंग पेपर का टाइमिंग सही नहीं, तो इसका टाइमिंग अपन कैसे मैच करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और समझने के लिए आपको दिमाग नहीं, ज़्यादा नहीं लगाना है, आप नहीं समझ सकते हो कि ये टाइमिंग कैसे मिलो, सोचते रहोगे तो इसको घुमा घुमा के आप टाइमिंग मिलाते रहोगे। तो आपको इजी तरीका बता रहा हूँ, तो इस ब्रैकेट को किस जगह रखना चाहिए अपने को और अपने को टाइमिंग मिलाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अभी मेरी बात समझ लेना, पहले तो अपनी मशीन को रखने का ऐसा घुमाने का, ठीक है, मशीन में घुमा रहा हूँ, ठीक है। और ये देखो ये ग्रिपर आ गया अपने, क्या आ गया, ये ग्रिपर आ गया, आ गया, सिलेंडर उतार दिया है, सिलेंडर खोल दिया है, तो भी टाइमिंग अपन मिलाते तो टाइमिंग कैसे मिलाते, तो इस ग्रिपर को इस जगह पे लाने का, ठीक है। और ये नो बज रही है, क्या बज रही है, ऐसा समझने का एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ये नो बज रही है, सिलेंडर इस तरह मुँह है इसका, ग्रिपर खुल गया है, तो समझ जाने का नो बज रही है, ठीक है। अब हम आएंगे इस पार्ट पर कि टाइमिंग का जो पार्ट है ये किस तरह रहेगा। तो अपने को इस पार्ट को क्या करने का है कि इधर इसको, ये घड़ी का काटा कैसा रहता है, ये ऐसा 6 बजा देनी है, कितने बजा देनी, ये दिख रहे हो ना, ये घड़ी का काटा समझ लेना, ये अभी 5 बज रही है, तो इसको ये 6 बजा के इधर टाइट कर दो, ठीक है। ये दोनों एलंगी इसको लगे हुए हैं इसमें, तो इसमें ये इधर टाइट कर दो, ठीक है। तो मैं आपको पेपर चला के दिखाऊंगा कि इस तरह इस टाइमिंग मिलाया जाता है, ये अपना टाइमिंग ये हो गया। अभी एक और बड़ी बात बता रहा हूँ, अगर आपको 10-15 का पेपर चलाना है, थोड़ा बड़ा साइज चलाना है, तो ये क्या करो, ये 7 बजा दो, कितना 7 बजा दोगे तो समझ जाना का 10 बड़ा वाला पेपर जो 10-15 का साइज का है वो आपका चलेगा इस टाइमिंग पे, आपको इसको टाइट कर देने का, ठीक है। अभी मैं 10-15 का साइज का पेपर लगाएंगे तो 10-15 का टाइमिंग मैच हो जाएगा, ठीक है। और अभी अपने को 1/4 A4 पुलिस के वगैरह सब चलाना है, ठीक है, तो इसमें अपने को ध्यान देने का, अभी A4 1/4 का पेपर लग रहा है, आप हमारे इधर 1/4 बोलते, आपको उधर 1/4 बोलते, 1/5 बोलते, एक जो भी बोलते, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका टाइमिंग मैच में अभी पकड़, इसका 6 बजा रहा हूँ, आप देख लेना। और बातों मशीन में चालू करूँगा, राकेश मोबाइल पकड़, ये मैंने 6 बजा दी, ये मैंने टाइट कर दिया है, नीचे रख मोबाइल, और एक हाथ पीछे रहना चाहिए इधर, ये देखा, ऐसा पीछे हाथ रहना चाहिए कि हम एकदम घूमे नहीं, तो अपन इसको टाइट कर रहे हैं, तो पीछे एक हाथ रखने का, तो ये क्या पार्ट नहीं घूमे, ठीक है। जैसे अभी ये टाइट हो गया, ये 4 की एलंगी लगेगी, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। ये टाइमिंग है, ये मैच कर दिया, ये भी बजा दी मैंने एग्जैक्ट 6। अभी चलो हम देखते हैं, अभी पेपर का हम मशीन स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैंने स्टार्ट की और ये अब टाइमिंग मिला रहे हैं, ये पेपर का टाइमिंग देखा, इस तरह आप टाइमिंग मिला सकते हो। और भी अगर कोई चीज की इश्यू है आपको, जैसे इसको फिंगर का सेटिंग बिगड़ जाता है, यहाँ पेपर फंसते हैं, तो इसको फिंगर को थोड़ा सा नीचे कर दो, और इसको ये प्रेशर है, ये दोनों प्रेशर यहाँ से और यहाँ से मिलाया जाता है पट्टी डालकर, ये बात ध्यान देना, ठीक है। और भी कोई चीज की जानकारी चाहिए मुझे मैसेज कर दीजिए, ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है आपके लिए, कोई भी चीज़ की जानकारी, पार्ट वगैरह कुछ भी चीज़ भी चाहिए
तो कोई चीज़ के लिए घबराने का नहीं, बिंदास रहने का, सब मिलेगा आपको और जानकारी भी मिलेगी आपको। इम्पोर्टेंट है आपका बिजनेस, इसलिए मैं ये चीज़ बना रहा हूँ। मैं हूँ कोरोना काल में चला भी जाऊँ इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ कि आपको यादगिरी में ललित भाई लाइफ टाइम दिखते रहेंगे आप सबको। ओके बाय अलविदा।